we used to conceptualize pseudo molecule. हम pseudo molecule conceptualize करते हैं. pseudo molecule. Any molecule, any reactant molecule with respect to whom the order of reaction is zero. कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाए, विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो. अ स्यूडो मॉलिक्यूल इज दैट मॉलिक्यूल विथ रेस्पेक्ट टू होम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो. कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाए उसे हम सिडो मॉलिक्यूल कहते हैं. जस्ट इमेजिन, मान लीजिए सी एक सिडो मॉलिक्यूल हो गया. यदि सी एक सिडो मॉलिक्यूल हो गया तो सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो गया. सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आर, आर की वैल्यू जीरो हो गई. यदि आर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम सी को सिडो मॉलिक्यूल कहेंगे. ऐसी कंडीशन में c टू दी पावर जीरो जब हम लिखेंगे तो ये वन हो जाएगा. ऐसी कंडीशन में रेट हमको c के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हुआ नहीं दिखेगा. अब रिएक्शन के लिए c जरूरी है, बिना c के रिएक्शन नहीं हो सकती, मगर c का कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इन शॉर्ट आई विल से pseudo molecule is that molecule which is necessary for the reaction, but it does not affect the rate of reaction. Pseudo molecule एक ऐसा molecule होता है जो reaction के लिए जरूरी है, बिना उसके reaction नहीं हो सकती, मगर जो rate of reaction पर कोई असर नहीं डालता है, speed of reaction पर कोई असर नहीं डालता. Pseudo molecule is that molecule which is necessary for the reaction, but does not affect the rate of reaction. It would appear in the reaction A plus B plus C. Reaction में C को लिखना अनिवार्य है, बिना उसके reaction complete नहीं होगी, मगर रेट लॉ में वह दिखाई नहीं देगा. C to the power R, C to the power 0, 1 हो जाएगा. मैं एक और तरीके से redefine कर सकता हूं. Pseudo molecule is that molecule which appear in the reaction but does not appear in the rate law. Pseudo molecule is that molecule which appear in the reaction but does not appear in the rate law. Pseudo molecule reaction में appear होता है मगर rate law में appear नहीं होता. Generally ऐसा molecule, ऐसा reactant जो reaction में excess में मौजूद हो, any molecule which is available in excess would behave as pseudo molecule. मैं एक reaction बताता हूं. In various reaction generally water behave as a pseudo molecule. ढेर सारी reaction में water एक pseudo molecule का काम करता है. For example hydrolysis of ester. मैं ester, this is ethyl acetate. इथाइल एसीटेट का वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है. इट गिव्स यू एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. यह रिएक्शन वाटर के बिना नहीं हो सकती. इस रिएक्शन के लिए वाटर कंपलसरी है. रिएक्शन लिखते समय आप वाटर को इग्नोर नहीं कर सकते, वाटर को भूल नहीं सकते, वाटर को छोड़ नहीं सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा. इस रिएक्शन को जब प्रैक्टिकली कराया जाता है तो वाटर एक्सेस में ले लिया जाता है. हमने कुछ मोल ईस्टर के लिए उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया. वाटर एक्सेस में होने की वजह से यहां पर सिडो मॉलिक्यूल के रूप में बिहेव करने लगता है. इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ सिडो मॉलिक्यूल. वह रेट लॉ में अपियर नहीं होगा. वाटर के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाता है. इस रिएक्शन के लिए जब हम रेट लॉ लिखेंगे
We'll write it like this. Rate would be directly proportional to Easter only. Easter दिखाई देगा. Easter की power 1 दिखाई देगी. Water के लिए order 0. It appear in the reaction, but does not appear in the rate law. It's necessary for the reaction, but doesn't affect the rate of reaction. इसका water बढ़ाने से या घटाने से जो reaction की speed है, उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. ज्यादा पानी होएगा तब भी वही रेट, कम पानी है तब भी वही रेट. सच मॉलिक्यूल वी कॉल इट स्यूडो मॉलिक्यूल. इसी तरह से वी यूज टू डिफाइन स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन एनी रिएक्शन हूज ओवरऑल ऑर्डर इज जीरो. किसी भी रिएक्शन का यदि ओवरऑल ऑर्डर जीरो हो जाए, इट्स टर्म्ड टू बी अ स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. एनी रिएक्शन हूज ओवरऑल ऑर्डर इज जीरो इज टर्म्ड एज स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. यदि P प्लस क्यू प्लस आर यही जीरो हो जाए, P प्लस क्यू प्लस आर यही चीज जीरो हो जाए, तो वह रिएक्शन स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है. स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए भी जीरो हो जाना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी भी जीरो हो जाना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी भी जीरो हो जाना चाहिए. सभी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाना चाहिए, तब वह रिएक्शन स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है. वी यूज टू से एनी रिएक्शन हूज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन. कोई सी भी ऐसी रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर, वह स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू गिव यू वाटर. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट टू गिव यू वाटर. यदि वहां पर हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो यह रिएक्शन होगी, और होगी तो कॉन्स्टेंट रेट से होगी. हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ या घटाओ. ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ाओ या घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन तो कॉन्स्टेंट रेट से चलती है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी जीरो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी जीरो होगा, ओवरऑल ऑर्डर भी जीरो होगा. सच अ रिएक्शन वुड बी टर्म्ड एज स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द आयोनिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दे आर स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इन सभी रिएक्शन में जो रेट है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है. इन सभी रिएक्शन को हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं. नाउ दिस रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, कोई सी भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है. वी लर्न रिएक्शन मैकेनिज्म, हम अलग अलग रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म सीख रहे हैं, और उन अलग अलग रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम रिएक्शन में होने वाली स्टेप्स को देखेंगे. मैकेनिज्म में कोई स्टेप फास्ट होती है, कोई स्टेप स्लो होती है. वी यूज टू से द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. मैकेनिज्म में जो सबसे धीमी स्टेप है, उसकी जो सबसे धीमी रेट है, द रेट ऑफ दैट स्लोएस्ट स्टेप बिकम्स द रेट ऑफ रिएक्शन. और उस स्लोएस्ट स्टेप में जो जो मॉलिक्यूल्स अपीयर हो रहे हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पर ही यह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से कोई मतलब नहीं है. आई मीन टू से जब इसी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, कंप्लीट करोगे, तो हो सकता है
हम कंप्लीट और बैलेंस्ड रिएक्शन कुछ इस तरह से लिखें। ए मोल्स ऑफ ए रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी एंड सी मोल्स ऑफ सी इन ऑर्डर टू गिव यू सम प्रोडक्ट। अ बैलेंस्ड रिएक्शन मे लुक लाइक दिस। इन दिस केस दिस स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी वी कॉल देम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का और इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू। यह जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है एंड दे डिपेंड ऑन द स्लोएस्ट स्टेप और द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वी यूज टू से दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि स्लोएस्ट स्टेप में कोई मॉलिक्यूल अपीयर ही नहीं हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो जाएगी, उसके वह सिडो मॉलिक्यूल कहलाने लगेगा। जो जो मॉलिक्यूल स्लोएस्ट स्टेप में अपीयर हो रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन हो जाती है। वी यूज टू कंसेप्चुलाइज मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपियरिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द स्लोएस्ट स्टेप। इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपियरिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और द स्लोएस्ट स्टेप। इट्स अ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू ऑलवेज। इट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लोएस्ट स्टेप। इट्स ऑलवेज इंटीग्रल। Always integral. It's always non-zero and non-negative. Never fractional. Na to ye fractional hoega, na zero hoega, na negative hoega. General value is 1 or 2. Unimolecular reaction means ek aisi reaction jisme slowest step mein sirf ek hi molecule hai. Bimolecular reaction means molecularity is 2, एक ऐसी रिएक्शन जिसकी slowest step में दो molecules involved है। हम कहते हैं order of reaction fractional भी होता है, zero भी होता है, मगर molecularity of reaction न तो fractional होएगा न zero होएगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ integral value ही होती है। अबाउट दिस रेट लॉ कॉन्स्टेंट। इस रेट लॉ में के अपियर हो रहा है, रेट लॉ कॉन्स्टेंट भी अपियर हो रहा है। इस रेट लॉ कॉन्स्टेंट के बारे में भी हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। दिस रेट लॉ कॉन्स्टेंट के इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन का रोल हम इन टर्म्स में ऑलरेडी देख रहे हैं। ए टू दी पावर पी में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आ गया, बी टू दी पावर क्यू में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आ गया, सी टू दी पावर आर में कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट आ गया। कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट इन सभी टर्म्स में ऑलरेडी हमें देख रहा है कि इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से या घटाने से के की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिक्स वैल्यू होती है। व्हाइल के डिपेंड्स ऑन remaining all other factors, पांच फैक्टर्स हमने लिखे थे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। वी यूज टू से के डिपेंड्स ऑन
इट्स डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कैटालिस्ट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. बाकी के चारों फैक्टर्स पर के डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा. विथ वेरिएशन इन टेम्परेचर के वुड वेरी, विथ वेरिएशन इन कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के बदल देने पर भी के बदल जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ाने या घटाने से भी के की वैल्यू में फर्क आएगा, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होने या नहीं होने से भी के की वैल्यू में फर्क आएगा. दिस वी मे राइट द यूनिट ऑफ के. रेट की जगह पर मैं लिख देता हूं मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम. रेट की जगह पर मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम इक्वल टू के. ऐसा कैसे ही? ए के लिए मोल पर लीटर टू द पावर पी, मोल पर लीटर टू द पावर पी. बी के लिए मोल पर लीटर टू द पावर क्यू, तो इधर पी प्लस क्यू हो जाएगा. और सी के लिए भी मोल पर लीटर टू द पावर आर, तो इधर हो जाएगा मोल पर लीटर टू द पावर आर, पावर एडिशन में आ जाएगी. और इस के लिए हम लिख सकेंगे के वुड बी गिवन इन मोल पर लीटर टू द पावर वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर पर यूनिट टाइम. और दिस के वुड बी गिवन इन मोलारिटी टू द पावर वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इन टू टाइम टू द पावर माइनस वन. दिस वुड बी द यूनिट ऑफ के. किसी भी रिएक्शन की यदि हमें के की वैल्यू दिख जाए, उसकी यूनिट दिख जाए, तो उसकी यूनिट को देखकर वन कैन ऑलवेज कंक्लूड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रिएक्शन के लिए सपोज के की वैल्यू दे रखी है सम रैंडम रिएक्शन, कुछ भी रिएक्शन हो सकती है, उसके लिए मान लीजिए के दे रखा है 2.3 पर सेकेंड्स. अब हम ध्यान दें के यूनिट की तरफ, इट्स पर सेकेंड. लुकिंग एट दिस यूनिट ऑफ के वन कैन ऑलवेज कंक्लूड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसका मतलब है मोलारिटी टू द पावर वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, यह टर्म बिल्कुल भी इधर नहीं दिख रहा है, पर सेकेंड दिख रहा है सिर्फ. इट इंप्लाय कि ये जो मोलारिटी की जो पावर है वन माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, दिस पावर मस्ट बी जीरो. इसका मतलब है P प्लस क्यू प्लस आर, दिस थिंग मस्ट बी वन. इट इंप्लाय दैट इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज वन. मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस कराता हूं. फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर K की वैल्यू दे रखी है 1/6 लीटर पर मोल पर आर. यदि किसी जगह पर के की यह वैल्यू दे रखी, मुझे इस न्यूमेरिकल फैक्टर से मतलब नहीं है, क्या न्यूमेरिक दे रखा है इससे मतलब नहीं. मैं बड़े ध्यान से के का यूनिट देखता हूं, इट्स लीटर पर मोल पर आर. इट मींस मोल पर लीटर टू दी पावर माइनस वन पर आर. पर आर तो टाइम है, टाइम टू दी पावर वन. K
के की यूनिट होती है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर। यह 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, इस केस में इट्स इक्वल टू माइनस 1। And this thing implies that P plus Q plus R, it should be equal to 2. This unit of K suggests us that its overall order is 2. The overall order of reaction, it's a second order reaction. For example, यदि किसी जगह पर K की वैल्यू दे रखी है 5 मोलर पर मिनट, किसी केस में K की यह वैल्यू दे रखी है। वंस अगेन, मुझे 5 से मतलब नहीं है, पर मिनट से मुझको पर यूनिट टाइम साफ साफ दिख रहा है, मुझे मतलब है मोलारिटी की पावर से। मोलारिटी की पावर होना है चाहिए के की यूनिट में 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, और इस जगह मोलारिटी की पावर है प्लस 1। इट मींस पी प्लस क्यू प्लस आर दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। इट्स अ स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन। मैं यह कहना चाहता हूं कि K का यूनिट देखकर हम किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर समझ जाते हैं। इसलिए जब भी आपसे K पूछा जाए तो K लिखते समय न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में उसका यूनिट लिखना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। K without its unit is said to be a wrong answer. यदि आपसे K पूछा गया है और आपने सिर्फ numerical value बोली, सिर्फ numerical value लिखी, तो वह गलत answer कहलाएगा। इस जगह पर unit लिखना mandatory होता है। Now,